मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहाँ कि जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, नमन्य ओंकार को नमन, अरिहंतों को नमन, श्री सिद्धों को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, सर्वे साधु को नमन, जिनी धर्मी को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, सुमति सागर को नमन, सन्मति सागर को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, स्वस्ति भूषण को नमन, स्वस्ति मैया को नमन। बोले खजाराज श्री आदिनाथ भगवान की, आपकी बैटरी डाउन हो गई, आवाज ही नहीं आई। बोलिए भूगर्भ से प्रकटी श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बहुत अच्छी बैटरी, एक सेकंड में चार्ज हो जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा चार्ज होने में। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोले यार का रतिक्षवा स्वस्ति भूषण माता जी की, अरे का संघ की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा चल रही है भोगांतराय उपभोग अंतराय, ये कर्म है। भोगों में बाधा आना भोगांतराय नाम कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। और उपभोग में बाधा आना ये उपभोग अंतराय कर्म का उदय है। बताया था जिसे एक बार भोग करके खत्म कर दिया जाए वो भोग, और जिसे बार बार यूज किया जाए वो उपभोग। भोगों के पीछे सारा संसार भाग रहा है, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं बार बार ये बात आपको बताती, बार बार बताती, रिपीट करती हूँ, कभी तो समझ में आए आपको। भोजन भोग है, एक बार किया खत्म हो गया, अब दोबारा नहीं कर सकते हैं उसको। कपड़ा तो एक बार पहना है, धो लेंगे दोबारा पहन लेंगे, मगर भोजन तो एक ही बार हो सकता है। साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। साध क्या है, साधन क्या है, भोजन साधन है। भोजन साधन है किस बात का, जीवन को चलाने के लिए, इस शरीर की रक्षा के लिए, इस जीवन को जीने के लिए भोजन एक साधन है। क्या है, भोजन एक साधन है, साध नहीं है। साध मतलब लक्ष्य, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, तुमने जन्म लिया है केवल भोजन करने को जन्म लिया है क्या, अरे बोलिए ना, नहीं। लेकिन अब लक्ष्य क्या बन गया है, अब खाने ही लक्ष्य बन गया है,
खाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक चले जाते हैं, उनका खाना है, विधान भी हो किसी का और वो विधान करके भोजन की व्यवस्था रखे, तो लोग ये नहीं कहते विधान में जा रहे हैं, ये कहते उन्होंने ना विधान नहीं भोजन खाना है, उनका खाना है, खाना खाने जाना है, विधान में नहीं जाना। और होता भी यूं है, विधान के टाइम कोई नहीं पहुंचता है, खाने के टाइम सब पहुंच जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता? अरे उन्होंने विधान किया है, मात्र आपको पेट का भोजन नहीं, उन्होंने आपको दिमाग का और आत्मा का और शरीर के दोनों भोजन की व्यवस्था रखी है, और आप केवल एक ही भोजन करके आते हैं। आत्मा का भोजन है विधान और शरीर का भोजन है वो खाना, है कि नहीं है? तो उसने खाने की व्यवस्था रखी है, तो एक खाने की व्यवस्था नहीं है, दो खाने की व्यवस्था है। विधान किया तो आत्मा का भोजन हो गया, और जो उसने भोजन बनवाया वो किया तो शरीर का हो गया। लेकिन आप कहते नहीं नहीं खाना है उनका, और आप केवल शरीर के खाने के लिए पहुंच जाते हो, आत्मा के भोजन करने के लिए नहीं पहुंचते हो। जो शरीर का भोजन है वो आत्मा के भोजन का साधन है, आत्मा के भोजन का साधन है, लेकिन हमने लक्ष्य केवल शरीर के भोजन को ही बना लिया है। इसलिए सारे दिन दिमाग में क्या रहता है बोलिए ना, रहता कि नहीं रहता? चिंता, चिंतन भोजन की, चिंता भोजन की, चिंतन भोजन का। भगवान का चिंतन मनन करते हो नहीं करते हो हैं? और भोजन की चिंता कितने समय करते हो? आप कभी ना हिसाब लगाना कि मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा विचार किस चीज पर किए हैं। महिलाएं तैयार, अभी तक आपके जीवन के सोचने का सबसे बड़ा हिस्सा किस में निकला है? भोजन में निकला है। किस में निकला है? भोजन में निकला है। सुबह का भोजन हुआ, अब शाम को क्या बनाना है, चिंता शुरू। 4 बजे से सब्जी बिनारने बैठ गए, फिर और उसको जो भी बनाना है उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। जब तक लोग भोजन करना ले तब तक चिंता दिमाग में भोजन की चलती रहती है, चिंतन भोजन का चलता रहता है। उसके बाद जब भोजन कर लिया, अब कल क्या खाओगे बता दो अभी से, नहीं तो फिर नाटक करोगे कल, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया वो, हाँ बता दो अभी से। यदि वो बताने वाला नहीं है तो खुद ही टेंशन, अरे कल क्या बनाना है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो चिंता भी भोजन की और चिंतन भी भोजन का। जितना चिंता और जितने चिंतन आपने अभी तक भोजन का किया है, इतना चिंता और इतनी चिंतन यदि आप भगवान का और आत्मा का कर लें, वास्तव में कल्याण हो जाएगा। रोटी बनाते बनाते भी भोजन में ही रहते हैं, यदि रोटी बनाते बनाते भक्तांबर पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ो, आराधना पाठ पढ़ो, वैराग भावना पढ़ो, आप भोजन तो बना रहे हो मगर चिंता चिंतन भोजन की नहीं। अब भोजन बन रहा है मगर विचारों में भगवान है, विचारों में परमात्मा है, विचारों में बारे भावना है, तो आप भोजन बनाते हुए भोजन में नहीं है। लेकिन अज्ञानता इतनी ज्यादा, भोजन बना लिया, चलो अब थोड़ी देर पड़ोसन के यहाँ बैठाए, अरे तूने क्या बनाया, अरे आज तो मैंने ना क्या करें सब्जी नहीं थी, बस भिंडी की सब्जी थी वो ही बना ली मैंने, तो अब तेरे यहाँ कुछ टमाटर है क्या, टमाटर की भी थोड़ा कुछ काम कर लूंगी, दाल में डालूंगी, है अपना तो घर का खाना किया ही किया, सामने पड़ोस की टेंशन और। अब थोड़ी देर बाद अपनी बेटी को फोन लगाया, बेटा आज तूने क्या बनाया, अरे मम्मी मेरी सास तो बड़ी खराब है, ये नहीं बनाने देती वो नहीं बनाने देती है, मैं तो सोचती ये बना। अपने घर की तो भोजन की चिंता कर ही रहे हैं, बेटी के घर की भी कर रहे हैं, पड़ोसन की भी कर रहे हैं, सबके घरों के खाने की चिंता का ठेका तुम ही ने ले रखा है। और 4 तरह की भी कथा होती है, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा, ये 4 तरह की कथा होती है, और इन चारों कथाओं से पाप का बंध होता है। भोजन करने में पाप नहीं है,
भोजन बनाने में पाप नहीं है उतना, आरंभ परिग्रह का तो है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन सारे दिन दिमाग में भोजन रखना ये पाप का कारण है। मेरी बात आपकी समझ में आई? जो चीज खाने मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो नाराज, ये भी पाप बंद का कारण है। जो मिल गया जब खाने के लिए आप थाली में बैठो, ये थोड़ा सा इसके कोई है, इसको कम कर दे थोड़ा सा। जब आप भोजन की थाली में बैठो तो उस समय पर जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, ऐसा सोच लिया करो। बच्चे जरूर सोचे इस बात को, मम्मी ने जो बना के दे दिया बहुत बढ़िया है, अमृत है, जो नहीं बनाया मम्मी कोई बात नहीं है, मुझे तो आप जो बना के दे दोगे मैं वही खा लूंगा। बच्चों को ऐसा अपनी मम्मी से कहना चाहिए, अपनी मम्मी को खाने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे तो हाथ पांव पटक पटक के रोते हैं, ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, हमें नहीं खाना है, तुम ही खा लो, जब 10 बार कहा हमें ये पसंद नहीं है ये मत बनाया करो, बच्चे बहुत परेशान करते। ऐसे बच्चे अभी मम्मी को परेशान कर रहे हैं, फिर बड़े होंगे तो फिर पता नहीं किस किस को परेशान करेंगे। जो दूसरों को परेशान करता है उसे खुद को भी परेशान होना पड़ता है। थोड़ा सा इसका वेश बढ़ा दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम जैसे बच्चे हैं, रो रहे हैं, रोने में परेशानी होती कि नहीं, बोलो। जब रोते हो तो दिमाग में परेशानी होती कि नहीं? अरे हाँ बोलो ना, जितने बच्चे बैठे हैं होती है ना। अच्छा, उसके बाद हाथ पांव पटकते हो तो हाथ पांव में भी चोट लगती कि नहीं लगती? लगती है ना। फिर आंसू बहाते हो तो आंखों में भी दर्द होता है कि नहीं होता? होता है ना। किसके लिए? जीव के लिए आंख को रोना पड़ रहा है, जीव के लिए गले को तेज तेज आवाज निकाल के रोना पड़ रहा है, जीव के लिए हाथ पांव को चोट खानी पड़ रही। किसके लिए? किसके लिए? जीव के लिए। ये जीव इतनी परेशान करती है, पांचों इंद्रियों को परेशान करती है। फिर जब तुम बुरा बुरा बोलोगे तो मुंह भी परेशान हो रहा है, जब तुम बुरा बुरा बोलोगे तो तुम्हारी मम्मी के कान भी परेशान हो रहे हैं, तुम्हारी मम्मी का दिमाग भी परेशान हो रहा है। फिर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को बताया, आजकल ना ये बहुत परेशान करता है खाने के लिए, आजकल बहुत बहुत ज्यादा जिद करने लगा है, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, तो तुम्हारे पापा भी परेशान हो रहे। एक जीव के लिए कितने लोगों को परेशान होना पड़ता है? बच्चे बोलेंगे हाँ, बोलिए ना हाँ। अच्छे बच्चे जल्दी हाथ उठाएं कि अपने मम्मी पापा को खाने में परेशान नहीं करेंगे, जल्दी हाथ उठाओ। हाँ, तेरी सेहत बता रही है बहुत परेशान करता है। हाँ, सेहत बता रही, तू बहुत परेशान करता है खाने में। लेकिन जिनकी सेहत नहीं है वो भी ध्यान रखना, वो भी करते होंगे परेशान, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जितने बच्चे चाहे टीवी में भी देख रहे हैं, वो बच्चे भी ध्यान रखें, खाने पीने के पीछे अपने मम्मी पापा को परेशान ना करें। ये कहें, जो मिल गया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। पेट ही तो भरना है, स्वाद कितनी देर के लिए आता है? थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए आता है? थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर शांति पकड़ ली तो सारा दिन अच्छा निकलेगा, और थोड़ी देर के पीछे सबको परेशान कर दिया तो सारा दिन खराब निकलेगा। तो इस तरह से भोगों के लिए हमें थोड़ा अपने आप में संयम रखना चाहिए, अंतराय आता है शांति रखना चाहिए, जो मिल गया ठीक है ये सोच करके अपने मन को परेशान नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति ज्ञानी होता है जो भोजन के लिए खुद को परेशान नहीं करता है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बोलिए ना, आ गई? बच्चे बोलेंगे आ गई, जोर से बोलें आ गई, बोलो आ गई, नहीं आई, क्या बोलना चाहिए? आई, समझ में आई। उपभोग, उपभोग क्या क्या है? सोना, चांदी, कपड़ा, मकान, दुकान, परिवार, अब उसमें सब कुछ ले लो आप। घर के अंदर क्या क्या होता है? सोफा सेट, पलंग, टीवी और जितनी चीजें हैं, जो भी आप चाहो गिन लो, जो जो आपको दिखता है, जिस पर आपका अधिकार है, ये सब उपभोग का साधन है। किसका साधन है? उपभोग का साधन है।
भोगो भोग, इसे कहते हैं भोगो भोग, और एक व्रत भी है भोगो भोग परिमाण व्रत। बाथरूम में टावल का, रसोई में वावल का, और मंदिर में चढ़ाने में चावल का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और बच्चों को मम्मी पापा की बात मानने का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, भाव से तरने का, और जो भोजन मिल जाए वो भोजन शांति से करने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके दोबारा आने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए, खाते गांव, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में खाते गांव का बड़ा ही महत्व है। स्वागतम सुस्वागतम।